नमस्कार, स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज में। मैं हूं राजेश कुमार और मैं हूं हरप्रीत कौर और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम T20। देश के 9000 करोड़ रुपए लेकर भागे राज्यसभा सांसद विजय माल्या ने सांसद पद से दिए इस्तीफा, बोले भारत में नहीं मिल सकता है निष्पक्ष न्याय। आज गर्मी के मौसम ने राजधानी का पारा 40 के पार पहुंचा दिया है। गर्मी के सीजन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, तापमान 40.2 सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ सकती है। टैक्सी वालों के गुस्से से फिर तपी पूरी दिल्ली, डीजल टैक्सियों पर बैन के खिलाफ टैक्सी वालों ने दिल्ली एनसीआर में किया विरोध प्रदर्शन। परिवहन मंत्री गोपाल राय ने कहा सुप्रीम कोर्ट का आदेश सबको मानना अनिवार्य। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरीके से तैयारी में दिख रहा है। फेसबुक पर बाकायदा कैंपेन चलाया जा रहा है जिसके लिए प्रियंका गांधी के समर्थन में डीजी कमिंग सून इन यूपी के नाम से पोस्टर देखने को। यूपी के चुनावी माहौल में पोस्टर वार गरमाया। गोरखपुर में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी नजर आए सिंघम अवतार में, तो वहीं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बलिया से शुरू किया शिलान्यासों का सिलसिला। उत्तराखंड के बाद हिमाचल के जंगलों में आग का कहर। वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार निचले पहाड़ी इलाकों में 3000 हेक्टेयर में वनस्पति और वन्य जीव हो गए हैं तबाह। 1 मई को यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया बलिया का दौरा। उन्होंने वहां स्पोर्ट्स कॉलेज का किया शिलान्यास और जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमने 100 सेवा को बनाया और बेहतर। इस दौरान अखिलेश ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि उज्ज्वला योजना को सबसे बड़ी योजना बताया जा रहा है, जबकि केवल प्रदेश में 56 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन दे रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले यूपी में राहुल नहीं है मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार। प्रशांत किशोर यूपी में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए राहुल को बनाना चाहते थे सीएम। देश के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की कमान सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथों में ली। दाखिला प्रक्रिया पर निगरानी के लिए चीफ जस्टिस R.M. लोधी कमेटी का गठन। पटना के जनता दरबार में बोले नीतीश कुमार देश की अखंडता के लिए जरूरी है भाजपा के खिलाफ राजनीतिक गठजोड़, प्रधानमंत्री बनने की नहीं है कोई इच्छा। अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाले में इटली के जज ने सोनिया गांधी को क्लीन चिट दी है। कोर्ट को सोनिया गांधी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। इस मामले में सीबीआई ने पूर्व वायुसेना प्रमुख SP त्यागी से लगातार 10 घंटे तक की पूछताछ। त्यागी बोले अमानवीय है मीडिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने विवादित आदर्श सोसाइटी को गिराने के आदेश। दोषी नेताओं अधिकारियों पर चलाया जाएगा केस। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपील के लिए 12 हफ्तों का समय दिया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने न्यूजीलैंड के निवेशकों और उद्यमियों को मेक इन इंडिया कैंपेन में शामिल होने का दिया न्योता। उन्होंने कहा कि समान हितों के क्षेत्र में भारत न्यूजीलैंड के साथ कर सकता है साझेदारी। भारत और न्यूजीलैंड ने दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान सेवा के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। पूर्व न्यायाधीश काटजू का एक और विवाद खड़ा कर देने वाला बयान। बोले अगले प्रधानमंत्री होंगे नीतीश और केजरीवाल बनेंगे उप प्रधानमंत्री। कोलकाता नाइट राइडर्स के हाथों मुंबई इंडियंस की 5 रनों से हार। यूसुफ पठान ने ली तूफान पर। साइना समेत 6 बैडमिंटन खिलाड़ियों को मिला रियो ओलंपिक का टिकट। बेशक साइना नेहवाल एशिया कप से हारकर हो गई हूं बाहर, लेकिन रियो ओलंपिक के लिए कर लिया है क्वालिफाई। IPL में आज होगा दिल्ली डेयर डेविल्स और गुजरात लायंस के बीच मुकाबला। सुरेश रैना की गुजरात लायंस क्या रोक पाएगी इस विजय। हमारे स्पेशल प्रोग्राम T20 में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए।